क्वेश्चन नंबर 59 2016 थ्री मार्क्स। आप भी सोच रहे होंगे यार सर 2016 में कितने क्वेश्चन करवा रहे हो आप, पागल पागल हो गया? अरे नहीं यार, चार सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको उठा के करवा रहा हूँ। अब जरूरी थोड़ी ना है आपके पास कौन सा सेट आएगा, कोई फिक्स थोड़ी ना है कि आपके पास यही सेट आएगा या भी आएगा, कोई सा भी आ जाएगा। चार सेट बनते हैं, उन चार सेट में जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं करवा रहा हूँ। तो परेशान मत हो कि सर इतने फालतू में करवा रहे हो, ये वो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, तो 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, सॉल्व फॉर एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू टू। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आ समझ में आए तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब एलसीएम लेंगे। क्या क्यों एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये ए अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में पूरे की क्या आएगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू। देखो ध्यान से, अब इसी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टू। और इसको इधर भेज दो तो क्या आएगा, ये एक्स माइनस बी और इधर से क्या आएगा, एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, इसकी इससे मल्टीपल टू को भारी रखा, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x की करेंगे तो माइनस का ए एक्स, फिर देखो ध्यान से माइनस बी से करेंगे तो माइनस का बी एक्स और माइनस माइनस प्लस का ए बी। ये चीज समझ में आई कितने लोगों को अच्छे से, तो यहां देखो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू को अंदर भेज दो तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस का 2ab। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आया। देखो ध्यान से अब क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से इस पूरे को उधर ले जा रहा हूं, तो यहां पे क्या है, जीरो इज इक्वल टू, पहले ये वाली लिख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस का 2ab। और देखो इस पूरे को ले जाएंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों माइनस का है तो प्लस के, तो माइनस का ax माइनस का bx प्लस का a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर। ये चीज समझ में आई अच्छे से, बहुत ज्यादा बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, सही बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, 2ax और माइनस ये मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का 3a, और ये देखो ये मिलके और ये मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का 3bx। तो देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन हमारा, जीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax माइनस का 3bx और क्या बोला है, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखना फिर, इस पूरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये और ये मिलके, ये और ये मिलके बन जाएंगे। और यहां पे देखो क्या लिख सकता हूं मैं, तो जीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री और एक्स बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। ये चीज समझ में आई, प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, रीअरेंजमेंट का खेल है, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा बैठ बजा देगा आपकी, पक्का बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कह रहे हो सर डरा रहा हूं, अरे डरा रहा हूं तो करवा भी तो मैं ही रहा हूं, एक एक स्टेप तो बता रहा हूं, नोट डाउन करो। अब देखो कंपैरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो टू, बी की जगह कितना आ रहा है, माइनस का थ्री और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और सी की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, सी की जगह आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करते थे, ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी मतलब टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये टू इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए और प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो देखो ध्यान से देखना बेटा आराम से, वरना ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं गारंटेड बता रहा हूं। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x a प्लस बी और
माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई अच्छे से? देखो ध्यान से, इसके फैक्टर कर दिए, इसके ये फैक्टर कर दिए। देखो दोनों को ऐड करो तो माइनस का 3x ए बी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो तो 2 इससे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में अच्छे से? नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान से, बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हो गया सॉल्व इसके आगे। ध्यान से देखना ये क्या था, मिट गया। ठीक है, देखो ध्यान से, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। क्या आ रहा है? 2x बाहर आ रहा है, तो क्या कॉमन लिया मैंने? 2x, तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 2x को बाहर निकाल लिया, तो इधर ऐसे लिख लो यार, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब सेम ऐसे ही इसको बनाना है, तो देखो ध्यान से, इस पूरे में से a प्लस बी को बना रहा है। अरे इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, एक ही तो बात है, स्क्वायर मतलब नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का ए प्लस बी कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा, इधर तो एक्स बचा और इधर माइनस का ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं आता? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, देखो यहां पे और यहां पे सेम होना चाहिए। मैंने कल एक तरीका बताया था, यहां पे माइनस के साथ एच के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो यहां एक्स के साथ क्या है? ये माइनस में पूरा है, तो इसी को बाहर कॉमन ले लो, इस पूरे को कॉमन ले लो। तो ये पूरा लिख लिया ऐसे थी, और इस ब्रैकेट को एच टी छाप दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 2x माइनस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा? x माइनस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, हो गया बस सोल्व। तो यहां से क्या आएगा, ऐसे लिख लो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा? x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बस हो गया सोल्व। देखो सिंपल सा है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां से कितना आएगा? 2x इक्वल टू ए प्लस बी, इस पूरे को उधर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और यहां से क्या आएगा? x इज इक्वल टू ए प्लस बी। आई बात समझ में अच्छे से? एक देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है, और बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, अगर होता तो जरूर हो जाता है। साइड बुक में भी बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, लेकिन बोर्ड जरूर पूछता है आपसे, इसलिए पूछता है। अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मेनली टॉपर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। भाई 90-80% तो सब कर लेंगे, उसके ऊपर तो टॉपर डिसाइड करना होता है कि टॉपर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, तभी तो वो टॉप करता है, उनके लिए क्वेश्चन डिसाइड है। अब आपसे आपने कर लिया, अब आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। नोट डाउन करो, समझ में आ गया ना? अच्छे से लिखो।